आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मुकाबले के बाद नया पॉइंट्स टेबल भी अपडेट कर दिया गया है, जिसमें बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सी चार टीमें टॉप फोर में हैं। नंबर 10 मुंबई इंडियंस। रोहित की टीम काफ़ी मुश्किल में लग रही है, जिसने अपने पहले 6 के 6 मुकाबलों में सिर्फ हार का सामना किया है और अब तक कोई पॉइंट हासिल नहीं कर सकी। नंबर 9 CSK चेन्नई सुपर किंग्स टेबल के 9वें पायदान पर है। इन्होंने 5 मुकाबले खेले हैं और 1 में जीत के साथ 2 पॉइंट हासिल कर रखे हैं। नंबर 8 दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली की टीम टेबल के 8वें पायदान पर है। इन्होंने 5 मुकाबले खेल लिए हैं और 2 मुकाबलों में जीत के साथ 4 पॉइंट हासिल कर रखे हैं। नंबर 7 सनराइजर्स हैदराबाद। हैदराबाद की टीम टेबल के 7वें पायदान पर है। इन्होंने 5 मुकाबले खेले हैं और 3 मुकाबलों में जीत के साथ 6 पॉइंट हासिल कर रखे हैं। नंबर 6 KKR कोलकाता नाइट राइडर्स टेबल के 6ठे पायदान पर है। इन्होंने 6 मुकाबले खेले हैं और 3 मुकाबलों में जीत के साथ 6 पॉइंट हासिल कर रखे हैं। नंबर 5 पंजाब किंग्स। पंजाब की टीम टेबल के 5वें पायदान पर है। इन्होंने 5 मुकाबले खेले हैं और 3 मुकाबलों में जीत के बाद 6 पॉइंट भी हासिल कर रखे हैं। नंबर 4 राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स की टीम टेबल के 4थे पायदान पर है। इन्होंने भी 5 मुकाबले खेले हैं और 3 मुकाबलों में जीत के साथ 6 पॉइंट हासिल कर रखे हैं। नंबर 3 RCB बेंगलोर की टीम आज की जीत के बाद अब तीसरे पायदान पर आ गई है। इन्होंने 6 मुकाबले खेलकर 4 मुकाबलों में शानदार जीत के बाद 8 पॉइंट भी हासिल कर लिए हैं। नंबर 2 लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम टेबल के 2रे पायदान पर है। इन्होंने 6 मुकाबले खेले हैं और 4 मुकाबलों में शानदार जीत के बाद 8 पॉइंट हासिल कर रखे हैं। नंबर 1 गुजरात टाइटंस। गुजरात की टीम टेबल को लीड कर रही है। इन्होंने 5 मुकाबले खेले हैं और 4 मुकाबलों में शानदार जीत के बाद 8 पॉइंट भी हासिल कर रखे हैं।